हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कि इसमें से एक है शॉपिफाई और दूसरा है वूकॉमर्स। तो यहां पर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि कौन सा बेस्ट रहने वाला है अगर आप एक ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। और यहाँ पर हम हर एक चीज को लेके चलेंगे, यानी कि प्राइस और डिजाइनिंग, कस्टमाइजेशन, ठीक है, और इजी अवेलेबिलिटी और बहुत सारे सपोर्ट और ऐसे काफी सारे फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और इन सब को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि कौन सा वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड रहने वाला है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मैं आपको कुछ डिस्काउंट लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब लास्ट में आपका डिसाइड हो जाए तब आप वहां से जाके 75% डिस्काउंट के साथ परचेस कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहे। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें जल्दी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तो इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई शॉप है ऑफलाइन, मान लो कि कपड़े की दुकान है या फिर जूतों की दुकान है या फिर कोई भी दुकान हो सकती है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो दुकान है आप इसको ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो और ऑनलाइन लेके जाने पर मान लो कि आपको जो ऑफलाइन तो आपकी सेलिंग हो ही रही है, आप चाहते हो कि पूरे इंडिया में बेचो या फिर आप चाहते हो कि पूरे वर्ल्ड में बेचो ताकि आपका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओ, ठीक है। इसी चीज के लिए सब जने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं। तो ऑनलाइन लेके जाने के लिए आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक है शॉपिफाई और दूसरा है वूकॉमर्स। अब गाइस इसके अलावा भी थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म है, छोटे मोटे और भी चलते रहते हैं लेकिन उनको ज्यादातर लोग जो है आज की डेट में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर आगे जाके दिक्कत आती है, प्रोडक्ट अपलोडिंग वगैरह सब ठीक है लेकिन दो चीजें आती है, एक तो प्राइसिंग में वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि प्राइसिंग काफी ज्यादा रहता है उन लोगों का, और साथ में जो हमें फीचर्स मिलने चाहिए वो फीचर्स भी वहां पर इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं और कहीं कहीं में तो सारे फीचर्स आपको मिलते भी नहीं है, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं बहुत सारे अलग आउटर प्लगइन्स के साथ वहां पर हमारे साथ इश्यूज आते हैं, तो इस वजह से शॉपिफाई और वूकॉमर्स जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। अब गाइस यहां पर इन दोनों में से कौन सा बढ़िया, अब ये तो नहीं कर सकते ना ये दोनों जगह पर हम करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पॉसिबल है लेकिन जरूरत नहीं है। आप एक को प्रमोट कर रहे हो या फिर एक का आप अच्छा खासा SEO कर रहे हो और दूसरे का भी कर रहे हो तो दोनों एक दूसरे के ही कंपटीशन में आ जाएंगे और कोई तीसरा आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करने की तो हमें जरूरत नहीं है, तो हम एक ही प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो उससे हो भी जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि शॉपिफाई यूज करें या फिर वूकॉमर्स। अब सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि शॉपिफाई कैसे काम करता है और वूकॉमर्स कैसे काम करता है, फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। अब गाइस अगर बात करें शॉपिफाई की तो ये काम करता है SaaS पर, ठीक है, SaaS, तो इस पर यह चीज काम करती है। और जो वूकॉमर्स है ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स होने की वजह से इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है और SaaS में काम करने की वजह से इसका भी कुछ बेनिफिट जरूर है शॉपिफाई का भी, तो वो भी मैं आपका आप जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक एक जो मैंने जैसे बात की थी प्राइसिंग वगैरह रहता है, एक एक फील्ड में कौन आगे चल रहा है वो बताऊंगा, लास्ट में आपको एक प्रॉपर जवाब दूंगा कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं शॉपिफाई और वूकॉमर्स दोनों के अंदर जो ईज ऑफ यूज जो है, ईज ऑफ यूज के बारे में हम बात करते हैं, मतलब किसमें ज्यादा आसानी रहती है स्टार्ट करने में, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल कोई नॉलेज ना हो, नहीं बिल्कुल मतलब आप पहली बार ऑनलाइन आ रहे हो और आपको वेबसाइट बनाने के बारे में अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको डोमेन होस्टिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो एक बार तो आपको ये दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, ठीक है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे क्योंकि जो बेसिक चीजें होती है जैसे कि डोमेन और होस्टिंग ये सारी चीजें आपको होनी, मतलब इन सब के बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं होस्टिंग के ऊपर, ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको एक डोमेन चाहिए होगा जो कि जैसे मान लो कि आपकी कोई दुकान है, दुकान का एक नाम रहता है ना, जो नाम है वो आपको ऑनलाइन जब आप सेलेक्ट करते हो तो उस नाम के आगे .com, .in, .net, .org, .co
ऐसे लग जाता है, तो वो जो नाम होगा वो आपका ऑनलाइन एड्रेस रहने वाला है। जैसे फिजिकल एड्रेस आपका कुछ भी रह सकता है, ठीक है, एक्स वाई जेड, आप किसी भी सिटी में होते हो, सिटी के जो भी आपका लोकल एड्रेस रहता है वो आपका एड्रेस है, लेकिन ऑनलाइन आपका जो एड्रेस रहेगा वो .in.com, सिंपल सा वो एड्रेस आपको खरीदना है, ठीक है। दूसरा है होस्टिंग, होस्टिंग और डोमेन साथ में मिलते हैं। अगर आप मेरे दिए गए डिस्काउंट लिंक के थ्रू जाके अगर आप परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा और डोमेन आपको फ्री में मिलेगा। फ्री में मिलते ही डायरेक्टली आपके 750-800 रुपए का तो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहां से आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूं वहां पर डोमेन फ्री में मिलता है, ठीक है। अब होस्टिंग लेना है, होस्टिंग भी पूरे साल का मुश्किल से 2,500 से 3,000 रुपए का पूरे साल की जो होस्टिंग जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं होस्टिंग लेना, और उसके बाद जो है आपको वहां पर वूकॉमर्स इंस्टॉल करना है जो कि एक प्लगइन है, ठीक है। उस प्लगइन को आप इंस्टॉल करो और वूकॉमर्स के थ्रू आप अपना शॉप क्रिएट कर सकते हो। अब आता है शॉपिफाई। शॉपिफाई में क्या रहता है कि आपको शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन करनी है, ओपन करने के बाद आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो जो पेमेंट मांगते हैं वो पेमेंट आपको करना है, ठीक है। इतना अगर आपने कर दिया तो खत्म बात, आपका जो शॉप है वो चालू हो जाएगा, फिर आपको खाली प्रोडक्ट अपलोडिंग करनी है। तो अगर इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको शॉपिफाई थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप शॉपिफाई को थोड़ा सा आगे काम करते जाओगे तो आगे काम करते करते आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। उन चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम डिजाइनिंग और कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हर जो दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर आपको अलग अलग फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं, जब वो फीचर्स आप ऐड करने जाओगे ना तब आपको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होंगे। तब ये शुरुआती काम तो आपको वूकॉमर्स का डिफिकल्ट लगता है, शॉपिफाई का इजी लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते रहोगे वैसे वैसे आपको वूकॉमर्स इजी लगने लगेगा और शॉपिफाई आपको डिफिकल्ट बनता जाएगा, हर एस्पेक्ट में डिफिकल्ट बनता जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूं, उसके लिए चलेंगे हम डिजाइनिंग प्रोसेस में। अब गए डिजाइनिंग प्रोसेस में, जैसे ही हम जाते हैं हमने डोमेन होस्टिंग तो ले लिया यहां पे, और शॉपिफाई में क्या होता है कि हमें डोमेन होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हालांकि डोमेन आपको मिलता है वहां पे, उसके लिए आप पे करोगे, होस्टिंग के लिए भी आप पे करोगे। प्राइसिंग के बारे में आगे बात करेंगे, जब आप प्राइसिंग के बारे में सुनोगे ना तब आप शॉक हो जाओगे, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, पहले हम देखते हैं डिजाइनिंग की। अब डोमेन होस्टिंग की बात हो गई, शॉपिफाई पे अकाउंट बन गया, अब दोनों में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में मतलब थीम, आपको थीम सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब शॉपिफाई की अगर हम बात करें तो शॉपिफाई में कुछ फ्री थीम्स होते हैं, ठीक है। हालांकि फ्री थीम्स पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन लिमिटेशंस आ जाती है, काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं उस फ्री थीम्स में, और उस केस में आपको शॉपिफाई के जो प्रीमियम थीम्स होते हैं उसे परचेस करना पड़ता है, और प्रीमियम थीम्स काफी महंगे होते हैं क्योंकि उन थीम्स को शॉपिफाई ने नहीं बनाया होता है, वो एक इंडिविजुअल डेवलपर ने बनाया होता है और उस डेवलपर की एक प्राइसिंग रहती है, वो प्राइसिंग आपसे शॉपिफाई लेगा, ठीक है। तो शॉपिफाई के लिए अलग से जो थीम्स होते हैं वो डेवलपर्स बनाते हैं और उसके लिए आपसे अलग से पैसे लिए जाएंगे, लेकिन यहां पर जो थीम्स होंगे वो प्रीमियम थीम ज्यादा महंगे होंगे क्योंकि वो शॉपिफाई के लिए बनते हैं, वो ज्यादा महंगे थीम्स होंगे। अब वूकॉमर्स में आते हैं। वूकॉमर्स में पहली बात तो यह कि वूकॉमर्स चलता है वर्डप्रेस पे, ठीक है। आपने डोमेन लिया, होस्टिंग लिया, और उसके बाद उस होस्टिंग पे आप इंस्टॉल करोगे वर्डप्रेस। ये सब चीजें आपको सुनने में ऐसा लग रहा है, पहली बार आप देख रहे हो तो आपको लगे यार डोमेन लेना, होस्टिंग लेना बहुत बड़ा काम है। गाइस मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, बहुत सिंपल काम है, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा डोमेन होस्टिंग लेने के लिए, और उस 10 मिनट में भी आपको सिर्फ दो ही स्टेप करने हैं, ठीक है। एक आपको डोमेन अपने पसंद का सेलेक्ट करना है, होस्टिंग जो भी प्राइस आपको सूटेबल रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है, और पेमेंट करना है। ये इस पेमेंट के प्रोसेस में आपको 10 मिनट लग जाएगा, कार्ड में ऐसे नंबर टाइप करके एंटर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस उसके अलावा 10 मिनट का कोई काम होता भी नहीं है। डोमेन होस्टिंग लेना बहुत ही सिंपल काम होता है, ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाता है, मैंने अपने ट्यूटोरियल से बना रखा है। अगर आप वर्डप्रेस का सेलेक्ट मतलब यूट्यूब पर सर्च करके तो हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन सी पैनल 2023 तो आपको मेरा वीडियो फर्स्ट नंबर पर मिलेगा, वहां पर आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाया है, ठीक है। तो वो वीडियो देखकर आप इजिली सीख सकते हो। तो यहाँ इतना होने के बाद आपको यहां पर भी थीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। वर्डप्रेस जो चलता है वो थीम पर चलता है। अब इसके अंदर आपको लाखों फ्री थीम्स मिलेंगे, इतने फ्री थीम्स मिलेंगे, और वो सारे थीम्स वर्डप्रेस के अंदर होते हैं, ठीक है। और उनमें से आप कोई भी थीम लेके अपनी साइट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको उसमें भी आप खुश नहीं होते, आपको लगता है कि नहीं मैं और प्रीमियम थीम्स लूंगा, तो आप ले सकते हो, और वो भी कम प्राइस में। अगर आप थीम फॉरेस्ट में जाते हो, सबसे जो महंगे थीम्स होते हैं ना वो आपको थीम फॉरेस्ट में मिलते हैं, वो भी शॉपिफाई के सबसे जो महंगे थीम्स उनसे सस्ते होते हैं,
ठीक है। और अगर आप उन्हीं थीम्स को डिस्काउंट के साथ लेना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एक वेबसाइट है एसआर मेहरान क्लब, तो वहां से अगर आप परचेस करोगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर परचेस करोगे तो आपको यूं मान के चलो कि जो $30 की थीम होगी थीम फॉरेस्ट पे, वही थीम आपको $3 या $4 में मिल जाएगी यहां पे, मतलब सीधे 90% का डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो ये जो चीज है आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो आप उसका यूज कर सकते हो। तो अब जो है यहां पर थीम्स जो है दुनिया भर के थीम्स होंगे, दुनिया भर के डेवलपर्स वर्डप्रेस के लिए थीम्स होंगे, क्योंकि ओपन सोर्स होने की वजह से इतने सारे डेवलपर्स काम करते हैं ना वर्डप्रेस के लिए, जिसका कोई लिमिट नहीं है। हर रोज हजारों में लाखों में नए थीम्स आ रहे हैं। तो ये सारे जो थीम्स है आपके लिए फ्री में भी अवेलेबल है और प्रीमियम भी अवेलेबल। बहुत सारे ऐसे फ्री थीम्स है जो प्रीमियम थीम से भी बेटर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक है नीव थीम और अगर हम बात करें ओशन WP, कुछ लोग एस्ट्रा भी यूज करते हैं लेकिन मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ एस्ट्रा को। ओशन WP एक अच्छा थीम है, कैडेंस थीम काफी अच्छा थीम है, ठीक है। तो ये सारे थीम्स का आप यूज कर सकते हो। अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आप वहां पे जो है न्यूज पेपर थीम का यूज कर सकते हो, जनरेट प्रेस थीम का यूज कर सकते हो, ठीक है, कलर मैक थीम का यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे थीम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के लिए, तो एक बहुत ही बढ़िया थीम है इसके लिए ओशन WP। अगर आप ओशन WP यूज करोगे तो मजा आ जाएगा और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। तो वर्डप्रेस में अगर थीम्स की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे थीम्स है और आपको फ्री थीम्स में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर वर्डप्रेस जीत जाता है और फर्स्ट वाले राउंड में अगर शुरू करने की बात करें तो कहीं ना कहीं शॉपिफाई जीत जाता है, क्योंकि ईजी होता है। अगर आप 10-15 मिनट का काम सीख जाओगे ना तो वर्डप्रेस में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। डोमेन होस्टिंग परचेस करना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आप देख लोगे तो वर्डप्रेस का आपका काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में भी वर्डप्रेस एक तरह से जीतता है और सेकंड राउंड में तो क्लियरली वर्डप्रेस जीत जाता है, यानी कि डिजाइनिंग के प्रोसेस में भी वर्डप्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। अब आते हैं थर्ड लेवल पे जो कि है कस्टमाइजेशन। डिजाइनिंग के बाद यानी कि थीम सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे कस्टमाइज करना पड़ता है। तो कस्टमाइज करने की जब बात आती है तो शॉपिफाई की अगर बात करें तो उसमें हर तरह के काम करवाने के लिए एप्लीकेशंस लगते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमें अलग अलग एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है, हर एप्लीकेशन अलग काम करता है, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशंस मतलब जो कुछ फीचर्स के लिए हमें प्रीमियम एप्लीकेशन खरीदने ही पड़ते हैं। मतलब अगर हमने एक बार उनका प्लान ले लिया उसके बाद हमें थीम भी खरीदना है, उसके बाद हमें एप्लीकेशंस भी खरीदना है, फिर हमारे सारे फीचर्स को प्रॉपरली यूज करने के लिए एप्लीकेशंस भी खरीदना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। अब ये चीज है ना, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी कि अगर एक बार आपने शॉपिफाई को खरीद लिया है तो उसके बाद हमें थीम्स को अलग खरीदना, एप्स को अलग खरीदना, ठीक है। हाँ डेफिनेटली ये सब आप खरीद लोगे तो आपका काम स्मूथली चलता रहेगा, ये बात आप देखो, जहां पैसा लगता है तो वहां स्मूथली तो चलना ही चाहिए, तो वो डेफिनेटली स्मूथली चलेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बार बार आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब यही चीज आ जाते हैं हम वर्डप्रेस पे, तो वर्डप्रेस पे आते हैं, यहां पर एप्स नहीं होते, यहां पर होते हैं प्लगइन्स, ठीक है। अब एक जो प्लगइन होता है ना, हर प्लगइन के पीछे कोडिंग होती है, आपको कोडिंग से और कोई लेना देना नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लगइन यूज करना है आपको, ठीक है। वूकॉमर्स जो है वो अपने आप में एक प्लगइन है, ठीक है, उसके थ्रू आप अपने वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स फीचर्स को डाल सकते हो। उसके बाद आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्लगइन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके वर्डप्रेस का वेबसाइट का अगर आपको कैशे क्लियर करना है तो आपको W3 टोटल कैशे नाम का प्लगइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इमेजेस को वगैरह कंप्रेस करना है तो आपको लेजी लोड प्लगइन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे प्लगइन्स होते हैं। और मान लो कि आपको पेमेंट गेटवे डालना है तो हर एक पेमेंट गेटवे का अलग प्लगइन होता है, जैसे रेजर पे का पेमेंट गेटवे डालना है तो वो आप रेजर पे का प्लगइन डाल दोगे तो वो काम करना शुरू हो जाएगा। फिर आपको API की वगैरह लेकर डालना पड़ेगा, खैर वो सब आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे हर चीज का ट्यूटोरियल होता है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पे नहीं मिला तो किसी और चैनल पे मिल जाएगा, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन फ्री है ना, एप्स की तरह हर एक एप्स के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे नहीं देने पड़ते यहां पे, सब कुछ बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है वर्डप्रेस की, खुद वर्डप्रेस ही फ्री है, जो कि शॉपिफाई फ्री नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो थीम्स मिलते हैं वो भी फ्री है वर्डप्रेस में, जबकि वहां पर सारे थीम्स फ्री नहीं होते, मुश्किल से 3-4 फ्री थीम होते हैं और वो कोई भी यूज करता नहीं है। उसके बाद आते हैं प्लगइन्स, वो भी वर्डप्रेस में फ्री है और वहां पर ऐप्स आते हैं, कुछ है फ्री ऐप्स होते हैं और कुछ जो है पेड ऐप्स होते हैं, तो उसके लिए आपको बार बार पे करना पड़ता है। तो वहां पर भी वर्डप्रेस जीत जाता है, वूकॉमर्स जो है वो भी जीत जाता है और जो शॉपिफाई है वहां पर फिर से लूज कर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्राइस। अब गाइज प्राइस की अगर बात करें ना, ये जो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, यहां पर आने के बाद जो है ना हमको
पता चल जाता है कि हमें एक्चुअल में क्या यूज करना है। अब देखो वर्डप्रेस फ्री है, जैसा कि मैंने आपको कहा वर्डप्रेस फ्री है, वूकॉमर्स फ्री है, ठीक है। और इसको जहां पर आपको डालना होता है वो होता है होस्टिंग पे, ठीक है। होस्टिंग का जैसा कि मैंने आपको कहा पूरे साल के आपको मुश्किल से 2,500 से 3,000 रुपए लगने वाले हैं, और डोमेन तो फ्री है, ठीक है। तो वूकॉमर्स के केस में 3,000 रुपए लगे पूरे साल के। अब ध्यान से सुनना, शॉपिफाई के केस में क्या होता है, शॉपिफाई का जो सबसे सस्ता प्लान जो होता है ना वो भी $30 से ऊपर है। मतलब मंथली, मैं ये नहीं कह रहा हूं साल के $30, नहीं मंथली $30 है। अब मंथली $30 का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो हर महीने आपको मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपए देने पड़ते हैं हर महीने, और यहां पर WooCommerce के केस में पूरे साल के 3,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो पूरे साल के शॉपिफाई में कितने हुए, आपको पूरे साल के यहां पर अगर हम हर महीने के 3,000 पकड़ के चले तो आपको हर महीने के यहां पर देने पड़ते 36,000 रुपए पूरे साल के। मतलब आपको जो प्रॉफिट बनेगा ना पहले साल में, लगभग आप यूं मान के चलो उस प्रॉफिट का आधा तो आप शॉपिफाई को दे दोगे। ये तो सिर्फ शॉपिफाई की कॉस्ट है, यहां पर मैंने ये थीम्स और एप्स की बात तो की भी नहीं है। थीम्स और एप्स अगर आप खरीदने जाओगे तो ये जो 36,000 रुपए है ना आप यूं मान के चलो कम से कम 70,000 रुपए तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ये चीज जो है शॉपिफाई को हम लगभग यहीं पर खत्म कर देता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा वर्डप्रेस को, मैं ये कहता हूं कि मैंने अपने लिए एक ट्यूटोरियल बना रखा है वर्डप्रेस का टोटल, जिसके अंदर 4 घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको पूरा वर्डप्रेस सिखाया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने WooCommerce बारे में सब कुछ बताया, होस्टिंग के बारे में। अगर आप उन वीडियोज को अगर आप देखोगे ना, उनके लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने वीडियो मैंने बनाए हैं उनमें से 3-4 वीडियो जो आपके लिए जरूरी होंगे उसके लिंक्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उनको अगर आप देख लोगे ना, आज शाम से आप अपना खुद का कंपनी खोल दोगे, इतना मैंने नॉलेज प्रोवाइड करवा रखा अपने चैनल में, ठीक है। तो शॉपिफाई की हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब लास्ट जो सीन आता है यहाँ पे, लास्ट जो एस्पेक्ट आता है वो है सपोर्ट। अब गाइस जब सपोर्ट की बात आती है ना, तो सपोर्ट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट जो होती है वो WooCommerce में होती नहीं है, शॉपिफाई में होती है। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई के केस में ये एक ओपन सोर्स तो है नहीं, ठीक है, SaaS बेस्ड है ये। तो यहां पर जो है जो चीजें चलती है वो कंट्रोल पूरा का पूरा शॉपिफाई के हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल शॉपिफाई के हाथ में होता है। यानी कि अगर हम बात करें इसका, इनका जो प्लेटफॉर्म है उसका कंट्रोल तो वैसे ही होगा ही होगा, एप्स का भी कंट्रोल इनके पास ही होता है, और जो थीम्स है उनका भी कंट्रोल इनके पास ही होता है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारा का सारा कंट्रोल। लेकिन जब बात आती है वर्डप्रेस की, तो इसमें हर एक चीज का जो कंट्रोल होता है ना वो कंट्रोल अलग अलग लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है, हो सकता है थीम किसी और ने बनाई होगी और प्लगइन किसी और ने बनाया होगा, हर एक प्लगइन किसी और ने बनाया होगा, हर एक थीम किसी और ने बनाया। हालांकि वेबसाइट में थीम तो एक ही लगती है लेकिन प्लगइन अलग अलग लग सकते हैं। तो सबके जो कंट्रोल्स होते हैं वो अलग अलग लोगों के पास होते हैं। तो उस केस में अगर आपको किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आपको अलग अलग लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गाइज वर्डप्रेस की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी प्लगइन्स आप यूज करने वाले होंगे ना, उस प्लगइन को लाखों लोगों ने पहले से यूज कर रखा होता है, ठीक है। वो उसके अंदर जो भी इश्यूज होते हैं वो पहले से रिजॉल्व होते हैं, और अगर नहीं भी हुए, आपको कोई चीज कहीं पे समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए अगर आप उस प्लगइन के बारे में डिटेल यूट्यूब पर डाल दोगे ना, इतने वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी किसी तरह के सपोर्ट की। लेकिन शॉपिफाई का केस ऐसा नहीं होता है। शॉपिफाई में हर इंसान जो होता है ना वो ऐप्स को परचेस करने, तो वीडियोस जो होते हैं ना वो कम मिलते हैं क्योंकि परचेस करने पड़ते हैं, यहाँ पर हर ऐप्स को अलग अलग सब खरीदना पड़ता है। तो जो वीडियोस बनाने वाले जो लोग होते हैं वो इतने सारे खरीद खरीद के उसका हम चेक करके डालते नहीं है वीडियोस, ठीक है। तो वर्डप्रेस के अंदर सब कुछ फ्री होता है, लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली जो लोग एक्सेस कर सकते हैं वो उस पर वीडियोस बनाते हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो उस वीडियो बनाते हैं। तो आपको हर एक कीवर्ड पर, हर एक प्लगइन के नाम पर आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे ना, आपको कभी कोई इश्यू आएगा ही नहीं। कुल मिला के वर्डप्रेस यानी कि WooCommerce पे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन और होस्टिंग का खर्चा करना है, उसके बाद सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो रहेगा वो WooCommerce ही रहेगा, और WooCommerce चलता है वर्डप्रेस पे। अगर आपने वर्डप्रेस को थोड़ा सा भी सीख लिया ना, 15-20 मिनट भी अगर आपने दे दिया पूरा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर रोज के, एक बार आपने 15-20 मिनट अगर आपको वर्डप्रेस को दे दिया ना आपने, तो आप वैसे भी सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आपके बहुत सारा लॉन्ग रन में आपको बहुत पैसा बचेगा, ठीक है। तो सभी वीडियोस के लिंक और जो WooCommerce होस्टिंग का जो डिस्काउंट लिंक है सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा।
थीम के जो डिस्काउंट लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ये सब कुछ आप एक बार सीख लें तो एक दो दिन के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन लेके जा सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, सब खरीद सकते हैं। आप एक बार सीख लें उसके बाद आप खरीद सकते हैं। लिंक आप ले लो, कॉपी करके ले लो और अपने पास रखो, और जब भी आपको खरीदने का मूड होगा आप उस लिंक को एंटर करना और खरीद लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से आपको आगे और जो वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूले, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।